में वही कूड़े डाले जो साधारण है, जो कि पेशेंट बचा हुआ खाना छोड़ता है, आप लोग खाते हैं, केले के छिलके इधर उधर इस उस डस्टबिन में डालते हैं, तो कृपया करके उसको इसमें डालें, इसमें आप लोगों का ही फायदा है। जैसा कि ये देख रहे हैं कि हमारे वार्ड में एक रेड कलर का भी डब्बा रखा होता है, जिसका यूज़ हम इसलिए करते हैं, इसमें ऐसा सामान डालते हैं जिसको हम रिसाइकिल कर सकें। रिसाइकिल मतलब इसको दोबारा से यूज किया जा सके मशीनों के थ्रू, जैसे प्लास्टिक की बॉटल हो गई, NS चढ़ता है उसकी बॉटल्स हो गई, और कैथेटर जो पेशेंट्स के लगा होता है उसको भी इसी में डालते हैं। अगर आपके इसमें यूरिन भरा हुआ है तो पहले उसको वाइट डब्बे में डाल के खाली करके फिर इसको इसमें डालेंगे। जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं उसको रेड बिन में डालते हैं। और जो हमारे ग्लव्स हो गए, अगर ग्लव्स हमको यूज़ करना है तो ये रैपर जो है हमारा रैपर पहले हमारा वाइट ब्लैक में जाएगा, और फिर हम ग्लव्स को यूज़ करके वो भी हमारा रेड बिन में जाएगा, ताकि इसका हम रिसाइकिल कर सकें। और इसमें कोई और अदर मतलब कूड़ा ना डालें, जिससे कि इसको मतलब छाटने में परेशानी होती है, इसीलिए इसमें खाली जो रिसाइकिल कर सकते हैं वही चीज़ें डालें, जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स, नीडल हो गए, कैथेटर का ट्यूब हो गया, प्लास्टिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सारी इसमें जाती हैं, इसका यूज़ इसलिए करते हैं। ये येलो डिब्बा है जिसमें हम खून से लगी, जैसे कॉटन है उसमें ब्लड लग गया है, या फिर पेशेंट का कोई कपड़ा उसमें खून लग गया है, या फिर मतलब पेशेंट का कोई बॉडी पार्ट कटा हुआ है, कहीं वार्ड में चूहा मरा हुआ है, मतलब ऐसी सारी चीज़ें जिसमें ब्लड लगी हो या फिर मतलब इन्फेक्टेड हो, उसको हम लोग येलो बिन में डालते हैं। और ख़ासकर एक्सपायरी मेडिसिन जो होती है जिनकी डेट आउट ऑफ मतलब यूज चला गया, उसको हम लोग येलो बिन में डालेंगे। फिर बैंडेज हो गया, बैंडेज में ब्लड लगा या मस लगा, मतलब ह्यूमन बॉडी से निकलने वाला भी कोई भी फ्लूइड जो मतलब लगा है उसको हम लोग येलो बिन में डालेंगे। कॉटन में ब्लड लगा उसको भी येलो बिन में डालेंगे। और फिर येलो बिन में हम लोग ये ब्लड वाली चीज़ें इसलिए डालते हैं ताकि मतलब ये हाईली इन्फेक्टेड होता है, दूसरे बिन में डाल देंगे तो इसका इन्फेक्शन फैलने का चांस रहता है, इसलिए हम लोग सारी चीज़ें येलो बिन में डालते हैं। ये वाइट डस्टबिन है, इसमें 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होता है जो कि एज अ डिसइंफेक्टेंट काम करता है। डिसइंफेक्टेंट मतलब कि कोई भी लिक्विड अगर इसमें डालेंगे तो वो उसको कीटाणु रहित बनाएगा। जैसे कि पेशेंट उल्टी कर रहा है, या फिर उसका जो टॉयलेट है, या फिर जो उसका थूक है पेशेंट से निकल रहा है, तो उसमें कीटाणु होगा, जाहिर सी बात है। अगर उसको हम डायरेक्ट बेसिस में अगर वो उल्टी करता है फिर उसको फ्लश कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे नालों में जाएगा, और नालों का पानी हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं नदियों में जाता है, फिर समुद्र में जाता है, तो उसमें जो रह जाए जानवर है वो उनको क्या करेगा, बीमार करेगा। और यही पानी जब हमारे जल में जाएगा, मतलब भूमि में जो पानी है उसमें जाएगा, और वो पानी हम पियेंगे, तो इनडायरेक्टली वो हमें भी बीमार करेगा। इसलिए वो जो इस पेशेंट की बॉडी से निकल रहा लिक्विड पदार्थ है उसको वाइट बिन में ही डालेंगे कीटाणु रहित बनाने के लिए। ये वाइट ट्रांसपेरेंट बिन होता है। शार्प बिन मतलब इसमें जो नुकीली चीज़ें होती हैं और जो मेटल की बनी चीज़ें होती हैं उसको इसमें डालते हैं। जैसे कि नीडल हो गया, वो मेटल की बनी है और नुकीली है। ब्लेड हो गया, वो भी मेटल की बनी है, नुकीली है। अगर आपको नीडल है वो चुभ सकता है, ब्लेड है उससे आपका हाथ कट सकता है, तो ऐसी धारदार चीज़ें हम इसमें डालते हैं वाइट बिन में। इसके साथ ही हमको हैंड हाइजीन भी करना बहुत ज़रूरी है इसके साथ, क्योंकि अगर हम हैंड हाइजीन अच्छे से नहीं करेंगे, हाथों को सही से नहीं धोएंगे, तो भी हम बीमार हो सकते हैं, हमको इन्फेक्शन हो सकता है किसी भी चीज़ का। तो इसके लिए हमारे 7 स्टेप होते हैं हाथ धोने के लिए, या फिर हम लोग वॉशरूम करके आ रहे हैं, खाना खाने से पहले हाथ को ज़रूर धोएं, तो आप लोग भी हमारे साथ करिए। जैसे फर्स्ट स्टेप ये होता है हाथों को रगड़िए, आप लोग भी करिए, ऐसे करिए, पहले हाथों को रगड़ना है सबसे पहले, सभी करिए, ये सभी के लिए ही, सभी के लिए है, पेशेंट हो जाए उसका अटेंडेंट हो, ये सभी को, सभी के पेशेंट के कांटेक्ट में सबसे ज्यादा आप ही लोग रहते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि पेशेंट की वजह से आप भी बीमार हो? आप लोगों के हाथ में है कि आप पेशेंट को भी स्वस्थ रखें और खुद भी स्वस्थ रहें, इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें आपको 50% बीमार नहीं कर सकती हैं। तो पहले सबसे पहले हम लोग हाथों को रगड़ते हैं, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद ये हमारी